यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ।
ज्ञान के निरंतर प्रवाह में जानने जानने रूप प्रवाह में इंद्रियों के परमाणु कहीं पर भी नहीं, चैतन्य परमात्म तत्व अरूपी भगवान आत्मा मैं कैसे जान सकता हूँ? आत्मा तो अरूपी है, अरूपी आत्मा मुझे जानने में कैसे आ सकता है? ऐसा प्रश्न उन्हें ही होता है जो यह मानते हैं कि इंद्रियां जानती है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। इंद्रियां जानने रूप परिणमित होती नहीं, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान की अवस्था में ज्ञायक की अनुभूति प्रत्येक आत्मा को हो सकती है। जानना 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 ऐसा जो ज्ञान का सहज परिणमन अनंत विकल्पों की उत्पत्ति हुई, अनंत विकार उत्पन्न हुए, फिर भी चैतन्य सागर में कहीं भी नहीं मिले, ऐसा अनादि अनंत चैतन्य सागर यह भगवान आत्मा यही मैं हूं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक गुण की भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक और भविष्य की अनंतानंत पर्याय है। प्रत्येक गुण की अनंतानंत पर्याय है। एक द्रव्य के अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, ऐसे इस जगत में अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुण, अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, ये सारा जगत ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, और अनंत ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित हो, फिर भी जो ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित तो होता है, उस लोकालोक की ओर तो ध्यान जाए नहीं,
लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय की ओर भी ध्यान जाए नहीं, और जिसमें ध्यान स्थिर रहे ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूं चैतन्य। चैतन्य 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 ये शरीर के परमाणु शिकायत मत करना, उस स्वरूप को समझने के लिए ये शरीर के परमाणु तुम्हें साथ न देंगे। ये शरीर के परमाणु, ये मिट्टी के परमाणु, ये जड़ परमाणु, जड़ परमाणु तुम्हें साथ न देंगे, मुझे साथ चाहिए भी नहीं। अनंत गुणाधिपति परमात्म तत्व, अनंत शक्तिशाली परमात्म तत्व, लोकालोक जिसके ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो हो, ऐसी अनंत शक्ति का धारी ऐसा यह परमात्म तत्व जिसके पास चैतन्य स्वभाव ही नहीं, ज्ञान स्वभाव ही नहीं, ऐसे ये देह के परमाणु से भीख मांगने की जरूरत कहाँ। ये मिट्टी के परमाणु को मिट्टी के रूप में जानकर, स्वयं को परमात्म तत्व अनुभव कर, चैतन्य 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 ऐसी निरंतर ज्ञान की, ये निरंतर ज्ञान की धारा ऐसी बहे, विकल्पों के तरंगों में मेरी सत्ता कहीं पर भी नहीं। विकल्पों की सत्ता में मैं कहीं पर भी नहीं। विकल्प एक समय की आत्मा की पर्याय, एक समय की आत्मा की पर्याय, फिर भी आत्मा उस पर्याय का कर्ता नहीं, कर्म के उदय का वह परिणाम, ऐसी वो विकृति वाली, ऐसी वो विकार की पर्याय जिसमें मैं कहीं पर भी नहीं। धूप में खड़ा व्यक्ति सुबह के समय परछा, दोपहर में भी परछा, शाम को भी परछा, सुबह परछाह लंबी है, दोपहर में फिर कम होती गई, शाम को फिर लंबी होती गई। जिस व्यक्ति की परछाह है वो व्यक्ति क्या करे, ये तो कोई और निमित्त, सूर्य के निमित्त से ये परछा, इसमें ये व्यक्ति क्या करे। ऐसे ही ये राग का भाव, राग का तीव्र भाव, राग का मंद भाव, फिर राग का तीव्र भाव, इसमें मैं चैतन्य सत्ता मात्र, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा, उस विकार के भाव में कहीं पर भी नहीं।
वो कर्म के उदय का परिणाम है। सूर्य के निमित्त से वो परछा होती है, ऐसे ही कर्म के उदय के निमित्त से ये विकृति आत्मा में होती है। जैसे वो व्यक्ति परछा को कोई काटे तो वो व्यक्ति नहीं कटता, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता विकार के नष्ट होने पर चैतन्य सत्ता नष्ट नहीं होती, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, चैतन्य 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 प्रति समय ये जानना जानना जानना। किस ज्ञेय को जाना, उस ज्ञेय पर जोर नहीं, ज्ञेय को जाना उस ज्ञेय पर जोर नहीं, यहाँ तक कि ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था पर भी जोर नहीं। ज्ञेय को जाना वह ज्ञेय अनित्य, जो ज्ञेय जानने में आया, टेबल कुर्सी ये सब ज्ञेय जो वर्तमान में जानने में आते, ये सब ज्ञेय अनित्य, निरंतर पलटते ये ज्ञेय, और ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये अवस्था भी निरंतर पलटती है। मगर ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में वह ज्ञान की अवस्था कैसी, ये ज्ञान की अवस्था जानने में आए, जानने में आए, मगर कैसी, उसमें अवस्था विशेष पर जोर नहीं, वह ज्ञान मात्र, ऐसा ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। चैतन्य 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 सत्ता, ये चैतन्य, ये जो ये चैतन्य सत्ता भगवान आत्मा, ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु छूट जाएंगे। ज्ञानी की श्रद्धा में ये कि ये शरीर के परमाणु छूट जाएंगे, ये बात लाए कहाँ से, ये शरीर के परमाणु मिले हो तो छूट जाए, मिले कहाँ, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप में, भगवान आत्मा में, ये देह के परमाणु है ही कहाँ, देह के परमाणु मेरे निकट आए कहाँ, देह के परमाणु मेरे निकट तो तब आए जब देह के परमाणु जानने रूप परिणमित तो हो जाए तो मेरे निकट आए, और मैं देह में कब गया कि मैं अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर जड़ रूप परिणमित तो हो जाऊं तो मैं देह में गया, मैं तो चैतन्य 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 पने को छोड़ता ही नहीं, और देह अपने जड़ पने को छोड़ता ही नहीं,
फिर आत्मा देह के पास गया नहीं और देह आत्मा के पास आया नहीं, ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि पर जोर नहीं, क्योंकि उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, मगर सम्यक दृष्टि पर जोर नहीं। सम्यक दृष्टि जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसी ये त्रिकाल ध्रुव, ये चैतन्य सत्ता भगवान, हे चैतन्य परमात्म तत्व, हे भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। राग और द्वेष के विकल्प भी जिस चैतन्य तत्व में, चैतन्य की सत्ता में कहीं पर भी नहीं, विकल्प चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं, विकल्प ज्ञान में कहीं पर भी नहीं, ज्ञान में विकल्प कहीं पर भी नहीं, ऐसा यह ज्ञान विकल्प ज्ञान में कहीं पर भी नहीं। ज्ञान त्रिकाल जो सत्ता स्वरूप, ऐसा जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान, उस ज्ञान की तो बात ही दूर। एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित होता है, ऐसी एक समय की ज्ञान की अवस्था, जिस ज्ञान की अवस्था में विकल्प जानने में आता है, उस ज्ञान की अवस्था में भी वो जो परिणमन हो रहा है वो विकल्प का परिणमन नहीं। वो जो ज्ञान की एक समय की अवस्था में जो जानने में आने वाला विकल्प, मगर वो जो परिणमन, वो ज्ञान का ही परिणमन, वो विकल्प का परिणमन नहीं, विकल्प का परिणमन नहीं। वो विकल्प का परिणमन यदि ज्ञान में हो तो ज्ञान स्वयं आकुलतामय हो जाए, ज्ञान की एक समय की पर्याय आकुलता रूप हो जाए, मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय भी आकुलता रूप नहीं, तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में विकल्प कहां? ऐसा भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, यही मैं हूँ। चैतन्य, ये चैतन्य ज्योति इस दीपक में कहीं पर भी नहीं। ज्ञान दीपक, चैतन्य ज्योति इस मिट्टी में कहीं पर भी नहीं। ज्ञान की ऐसी मस्ती, उस ज्ञान की मस्ती में देह छूट जाए तो कौन सा देह छूट जाए? मैं तो ज्ञान शरीरी, जो शरीर छूटता ही नहीं है, जो शरीर बैर बिखेर होता ही नहीं, जो अखंड है, ऐसा यह शरीर असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ फिर भी अखंड, ऐसा यह शरीर, ये शरीर बेर बिखेर होता नहीं,
और राग की दीवार बैर बिखेर हो जो मेरे निकट आई नहीं, ऐसा अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि उस दृष्टि पर भी जोर नहीं कि ये दृष्टि वाला मैं, ऐसा मैं दृष्टि वाला, ऐसा मैं दृष्टि वाला उस पर जोर जाए तो छोटे बड़े की भावना हो जाए कि मुझे ऐसी दृष्टि प्रकट हुई और दूसरे को नहीं हुई, तो दृष्टि प्रकट हुई उस पर जो जोर जाए, सम्यक दृष्टि का जोर सम्यक दृष्टि पर जाए, तो फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ऐसे दो में भेद देखे कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भेद देखा तो अहंकार का भाव उत्पन्न होगा कि देखो मैं सम्यक दृष्टि और वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि भी नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से न्यारा ऐसा जो चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये ज्ञानी की दृष्टि में, और यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। अवस्थाओं के भेद पर जोर नहीं, चैतन्य ज्ञान के भेद पर जोर नहीं, दर्शन के भेद पर जोर नहीं, ज्ञान के पांच भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान के भेदों पर जोर नहीं, और दर्शन के चार भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये पांच भेद ज्ञान के, चार भेद दर्शन के, मगर जोर ज्ञान के भेद पर भी नहीं, जोर दर्शन के भेद पर भी नहीं। जब ज्ञान और दर्शन के गुण के भेद पर भी जोर नहीं तो पर्याय पर जोर कैसे होगा भगवान? ये तो चैतन्य अभेद अखंड एक न्याय न्याय न्यायक, ऐसा वे भगवान आत्मा, मैं चैतन्य परमात्म तत्व, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान की एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, और निगोदिया के ज्ञान की एक समय की पर्याय, ऐसा दोनों सिद्ध परमात्मा। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में लोकालोक को जानने वाले केवली, और अक्षर के अनंत में भाग को जानने वाला निगोदिया, फिर भी दोनों एक समान, द्रव्य की दृष्टि से भी समान और पर्याय की इस दृष्टि से भी समान कि केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है मगर केवल ज्ञान की पर्याय में घुस नहीं जाता। ऐसे ही निगोदिया के ज्ञान की पर्याय में अक्षर के अनंत वा भाग जो जानने में आता है, जो ज्ञेय बनता है, वो ज्ञेय भी निगोदिया के ज्ञान की पर्याय में घुस नहीं जाता। इस अपेक्षा केवल ज्ञान की पर्याय और निगोदिया की पर्याय, ये पर्याय भी समान, ऐसा जब पर्याय भी जब समान, तब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का तो कहना ही क्या भगवान। ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही ओ oh।